नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। नोएडा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सेक्स रैकेट का गोरख धंधा सेक्टर 18 के मशहूर वेब मॉल में चल रहा था। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने छापेमारी कर स्पा सेंटर में दर्जनों लड़कों और लड़कियों को हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस ने स्पा सेंटर में 28 युवक युवतियों को पकड़ा है। इनमें स्पा संचालक सहित 6 युवक भी शामिल हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर में तमाम आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की हैं। बता दें, नोएडा पुलिस को पिछले काफी समय से सेक्टर 18 के वेव मॉल में आनंदा स्पा सेंटर में गलत काम होने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने बुधवार रात स्पा सेंटर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मॉल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने स्पा सेंटर से 14 युवक और युवतियों को पकड़ा है। सेक्टर 18 में एक वेव मॉल है जिसमें स्पा सेंटर्स चल रही थी। उस स्पा सेंटर्स में कुछ कस्टमर्स को प्रोस्टिट्यूशन को लूट किया जा रहा है, इस तरह का सूचना मिल गई थी पुलिस को। तो सूचना मिलने के बाद हम लोग डिकॉय कस्टमर्स कुछ लोगों को भेजे थे। वहाँ लोअर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, इस तरह का अलग अलग फ्लोर्स में टोटल 12 स्पास चल रही है। उसमें सभी में हम लोग डिकॉय कस्टमर्स भेजे गए थे। तो उसमें कुछ सेंटर्स में जो स्पा कार्ड में प्रोस्टिट्यूशन चल रही थी, तो उसमें जो सभी लोगों को आज हम लोग पकड़ के ले आके पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो टोटल जो 14 लड़कियां हैं, इन लोगों को हम लोग विक्टिम्स का मानते हुए इन लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जा रहा है। और इसमें जो कस्टमर्स और जो स्पा संचालक है, इन लोगों को हम लोग इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट में हम लोग इन लोगों को बुक करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और जो स्पा इस तरह चल रही है उसको सील करने के लिए हम लोग मजिस्ट्रेट को आगे पत्राचार भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस को अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा समेत अन्य राज्यों से भी लड़कियों को बुलाया जाता था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक युवतियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पता चला है कि लड़कियां प्रति ग्राहक 5 से 6 हजार रुपए वसूला करती थी। आपको बता दें, पुलिस ने उनका मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामग्री जब्त कर ली है। पुलिस ने छापेमारी के बाद स्पा सेंटर को सील कर दिया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इस स्पा में कई सफेद पोश लोग भी आते थे। फिलहाल पुलिस इन सबके विषय में जानकारी जुटाने में लगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप वन इंडिया हिंदी के साथ।